इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं द्वारा अपने निजी कार्यालय शाहबाद अनाज मंडी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए INLD के युवा प्रदेश अध्यक्ष सुचित संधु ने बताया कि आने वाली 16 दिसंबर को तमाम INLO कार्यकर्ता द्वारा सेक्टर 4 पंचकुला उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे, जिन्हें मुख्य मुद्दा बढ़ती बेरोजगारी, हरियाणा कर्मचारी आयोग में हुए घोटाले को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में INLO युवा कार्यकर्ताओं के साथ साथ ISA छात्रों के इस प्रदर्शन में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि 16 तारीख को होने वाले प्रदर्शन को लेकर लगातार प्रत्येक हल्का और जिले से युवाओं को प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आग्रह किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा युवा वर्ग प्रदर्शन में भाग लें। किस उद्देश्य से आज आप यहाँ आए हैं? अभी 4 दिन पहले हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की चंडीगढ़ मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे नेता प्रधान महाशिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने फैसला किया था, पार्टी के सारे प्रदेश अध्यक्ष वगैरह हमारे सारे थे, कि जो आज बेरोजगारी बढ़ रही है, जो युवा बेरोजगार हैं और जो SPSC ऑफिस के अंदर जो घोटाला हुआ है, लाखों लाखों रुपए लिए गए हैं, करोड़ों रुपए का लेन देन वहाँ पर हुआ है, उसके बारे में हमने विरोध करना है। 16 तारीख को 11 बजे हम सेक्टर 4 पंचकुला SPSC ऑफिस के बाहर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और ऑफिस का घेराव भी करेंगे। तो ये युवा करेंगे घेराव? हाँ जी, युवा का प्रदर्शन होगा और ISO का जो हमारी छात्र विंग है, युवा और ISO दोनों मिलकर इसको करेंगे। पूरे प्रदेश से किया जाएगा? हाँ, पूरे प्रदेश से किया जाएगा। तो यहाँ पे आज क्या कार्यकर्ताओं की ड्यूटी वगैरह भी आपकी तरफ से लगाई है? हाँ, हमारी ड्यूटी लगी हुई है और हर एक जिले के अंदर जाकर के हम युवाओं की ड्यूटी लगा रहे हैं। हर एक जिले से हमारा टारगेट रखा हुआ, हमने कम से कम 200 युवा हर एक हल्के से जाएंगे और भारी मात्रा में इकट्ठे होकर के हम युवाओं की आवाज उठाने का काम करेंगे। सर, बेरोजगारी के लिए ही युवा प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे, महंगाई बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। अन्य पार्टी जो विपक्ष में है वो भी सरकार को समय समय पर चेताती रहती हैं, रोज प्रदर्शन करती हैं महंगाई कम करने को लेकर, फिर भी सरकार नहीं सुन रही। लेकिन ये सरकार गुंगी और बैरी सरकार है, जितना मर्जी बोलते रहो। मैं खनाल का रहने वाला हूँ, होम डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर मनोहरलाल खट्टर जी वहां से CM बने हैं। वहां पर मैं देखता हूँ कई कई महीने लोग बैठे हो जाते हैं सर्टिफिकेट के बाद, लेकिन वहां पे SP DC सब निकल के जाते हैं, निकल के जाता है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। इस सरकार के अंदर तानाशाही इतना बढ़ा, तानाशाही कि कोई अधिकारी सुनने के बजाय अक्सर तो क्या MLA मंत्री संतरी सुनने वाला ही नहीं है। सरकार में समय समय पर हमारे नेता दवाज उठाते ही है, सड़कों पर जाकर के लड़ाई लड़ने का काम किया। अभी आपने संघर्ष देखा है किसानों का, कितने लंबे समय तक वहां बैठे हुए हैं, सरकार मानने का है। जब सरकार को यह लगा किसान उठ के नहीं जाने वाले, लंबा संघर्ष हो चुका है, तो मजबूरी मानना पड़ा। इलेक्शन आ चुके हैं UP के, पंजाब के, इससे डर के सरकार ने ये मान किसानों की मांगी है, मानने वाली सरकार नहीं थी। 16 तारीख को युवा ही प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण दिया गया है युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में। अभी तो वो इम्प्रूवमेंट आया नहीं, अभी तो सिर्फ अखबारों के अंदर बात आई है। अभी हम हमारा शुरू करेंगे, जब शुरू होगा तब देखेंगे। ये तो इस जो सरकार है, कितने जुमले की सरकार है, जुमलेबाजी करती है। अब जब ये इम्प्लीमेंट होगा, लागू करेंगे, तब देखेंगे, तब बात करेंगे इसके बारे में। सिर्फ लोगों को बेकार काम करते हैं, नौकरी देने का काम नहीं।